हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस। मैप मेकिंग की क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ और भी डिटेल्स, पासेस वगैरह के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दीज आर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। ये लोकेशंस हैं जो मैंने आप लोग को दे रखे थे, आप लोगों ने किए होंगे। वन इज डेप्सा पास, दिहांग पास, दीपू पास, इमिस पास, कुंजरेब पास और लनाकला पास एंड लिखापानी पास। तो ये हमारे कुछ पासेस थे जिनके बारे में हमें देखना था। फटाफट इसके लोकेशन को देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की ओर देखेंगे। सो दिस इज आवर अर्थ एंड लेट्स गेट इन टू इंडिया। यहाँ पर जब आप इंडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिलेगा हमारे पास लाइन से पास है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी कुंजरे पास। हालांकि कुंजरे पास हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार ड्रॉ कर रखा है, बट स्टिल फिर से देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये हियर यू विल फाइंड इट, कुंजरे पास। यहाँ पर देखिए कुंजरे पास आपको देखने को मिलेगा, कुंजरे पास, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लनाकला पास। तो लनाकला पास आपको मिलेगी यहाँ पर, हियर इन, यहाँ पर ये देखिए लनाकला पास एक्चुअली दिया नहीं हुआ है। लनाकला पास अक्साई चीन के एरिया में पड़ता है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट कर रहा होता है। यहीं पर आप ड्रॉ कर लेंगे, अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आती है इमिस पास, और इमिस पास अगेन लद्दाख के रीजियन में है और आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए इमिस पास यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए देपसा पास है, देपसा पास यू विल गेट इट हियर, स्पीति और कुल्लू को ये कनेक्ट कर रही होती है, तो ये इस देपसा पास हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बाकी सारी पासेस देखने को मिल जा रही होंगी। तो यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दिहांग पास। ऑल तो देखिए यहाँ पर बना नहीं है दिहांग पास, लेकिन आप कह सकते हैं कि टॉप पर यहीं पर बना हुआ है दिहांग पास। दीपू पास देखिए इंडिया और म्यांमार के, देखिए यहाँ पर दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड हियर यू विल गेट म्यांमार। तो इन दोनों के बॉर्डर पे ही दीपू पास मिल जाएगा। दीपू पास के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा लेखापानी पास, और लेखापानी पास देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज लेखापानी पास। और यहाँ पर हम लोग सेंगसू पास हम लोगों ने कल देखा ही था। तो ये हमारी कुछ लोकेशंस है जिसको आप लोगों ने देख लिया। चले फिर स्टार्ट करते हैं और इसको जरा फटाफट लोकेट करते हैं और फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज आवर मैप, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे अपना कुंजरे पास। तो यहाँ पर हम लोग कुंजरे पास को इस तरीके से बना देंगे, दिस इज कुंजरेब पास, क्लियर। फिर उसके बाद से लनाकला पास के बारे में बता देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी लनाकला पास, क्लियर। फिर अगेन नीचे आ जाएंगे इमिसला पास पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी इमिस, दिस इज इमिसला पास। देपसा पास यहाँ पर आप बना देंगे देपसा पास, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन पे, नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहाँ से दिहांग रिवर निकलती है और यहीं पर आप बना सकते हैं दिहांग पास। फिर आप बना देंगे दीपू पास, दीपू पास देखिए ये बॉर्डर एरिया में आ जाएगा दीपू पास, दिस इज दीपू, ठीक है। फिर उसके बाद से आपकी आ जाएगी लेखापानी, तो अगेन जो है लेखापानी जस्ट इसके नीचे लेखापानी आ जाएगी। अगेन ये सारा का सारा होना चाहिए अरुणाचल के बॉर्डर में, तो अरुणाचल के बॉर्डर में ही आप इसको बनाइएगा, दिस इज लेखा पानी। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी लोकेशन को ड्रॉ कर लिया। अब जरा आते हैं अपने फटाफट अपने वर्ड्स पे। तो देखिए सबसे पहले देपसा पास है, देपसा पास में आप लोगों को अभी मैंने बताया कि काराकोरम रेंज या फिर ग्रेटर हिमालय रेंज में है। तो इट इज अ हाई माउंटेन पास इन द हिमालय रेंज बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस पास प्रोवाइड इजियर एंड शॉर्टर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पीर पार्वती पास रूट इन बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। तो अगेन देखिए सपोज इन केस अगर आपको ये लाइन नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं कि दिस इज इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक टर्म में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रिलीजियस टर्म में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है, तो इन टर्म के साथ भी आप खेल सकते हैं। यहाँ पर दिहांग पास में आ जाएंगे, द पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रिवर यहां से निकल रही होती है एंड दिस कनेक्ट्स इंडिया टू मांडले म्यांमार, क्लियर। दीपू पास में सिमिलरली लिख देंगे, द पास इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, रिवर दिहांग पासेस थ्रू इट, और ये जो होती है अगेन मांडले को कनेक्ट कर रहा होता है। तो बोथ आर सेम एक तरीके कह सकते हैं, और इसलिए सेम हो जाती है क्योंकि दोनों के दोनों आसपास ही है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी इमिस पास, तो इमिस पास जो होती है लद्दाख में थी हमारी, तो पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हालांकि अब ये बदल गया है और ये यूटी ऑफ लद्दाख हो गया है, तो दिस इज यूटी ऑफ लद्दाख। इट कनेक्ट्स लद्दाख विद तिब्बत, इट हैज डिफिकल्ट टेरेन, स्टीप स्लोप, रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो इस तरीके से चीजें हो गई। आगे देखिए कुंजरे पास के बारे में, ऑल्दो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज काराकोरम पास,
और ये ट्रेडिशनल पास है बिटवीन इंडिया और चाइना का, और दोनों के बीच में बेसिकली जो एंशियंट रूट जाती थी, कारवां जाता था, जिससे कि हमारा जो मतलब कश्मीर है वो कनेक्ट हो रहा होता था चाइना के साथ में, तो वही चीज है। तो इट इज द विच रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो द टोपोग्राफी स्टफ एंड द स्टफ सर्वाइवल, ये भी चीज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए लंका लनाकला पास आ जाती है, तो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अक्साई चीन पार्ट और इट कनेक्ट्स लद्दाख टू लासा। द चाइनीज हैव बिल्ट हाईवे हियर विच कनेक्ट जिंगजियांग प्रोविंस विद द तिब्बत। तो ये वही है जो 1962 वॉर वाली कंडीशन होने को देखने को मिली थी। फिर नेक्स्ट आ जाती है लेखा पानी पास, एंड दिस वन इज द लास्ट वन। लेखा पानी में द पास इज सिचुएटेड इन अगेन अरुणाचल प्रदेश, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, द पास रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता है, आपको केवल सिंपल जी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको लिखना होता है, बस यही होता है। दिस इज एक्चुअली बोनस क्वेश्चन, दीज आर बोनस क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट का है, और जिस स्टेट का भी रहेगा उसके बाद से तो आप सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आप गेस भी कर सकते हैं, स्पेशली पासिस के लिए। चलिए खैर, ये आपके कल के लोकेशन के लिए है, कल की लोकेशन आप लोग इसको लोकेट करिएगा और 30 वर्ड्स लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। लोकेशन कौन कौन सी है, मांगशा धूरा पास, मुलिंग ला पास, पैंगसन पास, पेंसीला, काराताक पास, सिंकोटा पास एंड ट्रेल्स पास, और ये पासेस का ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी पासेस खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद से हम लोग कुछ और दूसरी लोकेशंस को देखेंगे, फिर उसके बाद से ये लोकेशन आप लोकेट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।